गुड इवनिंग माई डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। और मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी वेलकम करते हैं आपके प्यारे चैनल साइंस वाले पर। टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइफ प्रोसेस पार्ट थर्ड। जिस बच्चों ने बेटा पार्ट वन और टू ना देखा हो, पहले वन टू आप देखिए, देन पार्ट थ्री देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए शुरू किया जाए, आइए शुरू करते हैं। टुडे टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। तो हेडिंग विल बी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स का मतलब होता है ग्रीन प्लांट्स। बट आप सभी लोग जानते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस है क्या? न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। तो सबसे पहले बेटा हम फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करते हैं, फिर उसके मैकेनिज्म को समझते हैं। लेट्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? ओके, द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, इट इज डिफाइंड एज फूड means glucose making process in green plants, in which green plants make their own food means glucose by using CO2, H2O, chlorophyll and presence of sunlight. Very important point. But sunlight is not a raw material because it is energy. Light is energy. The equation ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, क्या क्या यूज करता प्लांट? CO2 एटमोस्फियरिक एयर से बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल सॉइल से, और किस प्रोसेस से? याद रखिएगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा। वाटर जब भी बेटा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ मूव करता है, मतलब अधिक अमाउंट से कम तरफ, तो उसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस वर्ड वाटर के लिए ही यूज किया जाता है। ओके, तो 1, 2, 3 हो गया सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर का होता है। और क्या बनाता है बेटा, इन सबको मिक्स करके क्या रिएक्शन होता है? तो बनता है ग्लूकोज, इज कॉल्ड एज फूड। H2O बनता है बेटा 6 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। देखिए आप लोग बेटा जो रिएक्शन पढ़ते हैं तो आप लोग कैसे लिखते हैं, एक्चुअली में ये एक्यूरेट होता है, लेकिन इधर क्या बन रहा है? 6H2O। तो इस 6H2O को जब आप यहां पर लेके आएंगे इस साइड, एरो की इस साइड, ये बेटा प्लस से यहां क्या हो जाएगा? माइनस। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इधर लाएंगे तो इसमें से 12 में से 6 माइनस हो गए तो कितना बचेगा? 6H2O और प्लस 6O2। बट एक्यूरेट आप लोग इक्वेशन लिखिएगा जिसमें आप लोग क्या लिखना बच्चों, यहाँ 12 और यहाँ 6H2O लिखिएगा, जो इसके मैंने पहले बताए थे इक्वेशन, वो एक्यूरेट होता है। और ये क्या है बेटा? शॉर्ट हैंड है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आए बेटा मैकेनिज्म समझते कि होता कैसे फोटोसिंथेसिस। ओके बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो बाय स्ट्रक्चर लीफ का बेटा देखिए कौन कौन से पोर्शन होते हैं। देखिए मान लीजिए लीफ है, सपोज दैट एक मैं लीफ बना देता हूं, जैसे लीफ ऐसे ही आप ऐसे समझिए ये लीफ है। तो लीफ का देखिए बेटा एक अपर पोर्शन हो गया और एक लोअर पोर्शन हो गया। जब भी बेटा आप लीफ देखते हैं, जब भी कोई भी लीफ देखिए, तो ऊपर क्या होता है? काफी स्मूथ होता है, और नीचे क्या होता है बेटा? काफी रफ होता है। तो जो रफ होता है उसमें स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा हमेशा कहाँ होते हैं? टाइनी पोर्स लोअर सरफेस पे। अब इस पर एक क्वेश्चन होता है कि लोअर सरफेस पर ही क्यों होते हैं, अपर पे क्यों नहीं होते? भाई इसका कॉमन सा रीजन है, सनलाइट फॉल होती है अपर साइड पे। अगर यहाँ स्टोमेटा होता अपर साइड, तो सनलाइट से क्या होता? सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता, ट्रांसपिरेशन की रेट क्या होती? इंक्रीज हो जाता, जिससे प्लांट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए नेचुरली गॉड ने क्या कर दिया बेटा, उसका स्टोमेटा लोअर साइड बनाया है। इट इज नेचर ऑफ गॉड, इट इज क्रिएशन ऑफ गॉड। ओके,
और देखिए लीफ है तो लीफ के बेटा दोनों सरफेस पर अगर हम ध्यान दें तो ऊपर ज्यादा चिकना होता है, ज्यादा स्मूथ होता है, उस पर कौन सी लेयर होती है, क्यूटिकल की लेयर होती है, और कैसा होता है ये वैक्सी होता है, वैक्स की तरह होता है। ओके, अब हम एक लेयर बना के देखते हैं। देखिए मान लीजिए लीफ में ये सबसे ऊपर लेयर लेयर हो गया, इट इज कॉल्ड एज क्यूटिकल वैक्सी लेयर, वैक्सिस मतलब वैक्स की तरह होता है, वैक्सी लेयर, वैक्सी लेयर। इसका जो जस्ट नीचे होती जो सेल्स होती हैं, जो जस्ट इसके नीचे जो सेल्स होती हैं, इट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, एपी डर्मल सेल्स। देखिए मैंने इसमें लिखा होगा नोट्स में आपको, द इंटरनल लेयर्स ऑफ लीव्स आर मेड अप ऑफ मेसोफिल्स, इसके नीचे बेटा आएगा मेसोफिल्स, एपिडर्मिस लेयर होती है। ओके, तो पहला हो गया क्यूटिकल, फिर बेटा क्या हो गया एपिडर्मिस की लेयर। अब इसके नीचे बेटा जो सेल्स होती हैं थोड़ी सी साइज में क्या होती है, बड़ी होती है, इट इज कॉल्ड एज मेजोफिल सेल्स। तो कौन सी लेयर आ गई बेटा थर्ड नंबर पे, कौन सी सेल्स की लेयर आ गई, मेजोफिल्स, मेजोफिल सेल्स। अच्छा बेटा जो मेजोफिल सेल्स होती हैं, मेजोफिल सेल्स के अंदर ही लार्ज अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट सबने बेटा क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट या सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स इन विच ग्रीन पिगमेंट मींस क्लोरोफिल कंटेन्स या प्रेजेंट विच एब्जॉर्ब सनलाइट। तो क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ले लीजिएगा, कंटेन्स या कंसिस्ट ऑफ, कंटेन्स लिख लीजिए, क्लोरो फिल ग्रीन पिगमेंट। तो आप लोग, आप लोग को समझ में आ रही होगी मात्र हम क्या करना चाह रहे हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्लोरोफिल इसके अंदर बेटा ऐसे फिलअप रहता है, इट इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर फिलअप होता है क्लोरोफिल। जैसे आप ग्लास में वाटर रख लीजिए, या मान लीजिए ये बॉटल है, तो बॉटल हो गया क्लोरोप्लास्ट, और जिसके अंदर बेटा ये वाटर भरा हुआ, ये क्या हो गया क्लोरोफिल। आई होप आप लोग समझ गए मेरी बात क्या कहना चाह रहे हैं, वाटर रख देता हूं। अब देखो इसके नीचे जो लेयर होती है, फिर यहां पर होती है एपिडर्मिस, नीचे क्या होती है एपिडर्मिस की लेयर, इसको बोलेंगे अपर एपिडर्मिस, और इसको क्या बोलेंगे बच्चों लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, एल ई लिख दे रहा हूं समझ लेना, एल फॉर लोअर ई फॉर एपिडर्मिस। ये कौन से हो गया, तो अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। तो कौन कौन सी लेयर होगी बताइए, क्यूटिकल की लेयर सबसे बाहर, फिर बेटा क्या हुआ अपर एपिडर्मिस, फिर कौन सी लेयर आई मेजोफिल्स, मेजोफिल्स की लेयर, फिर बेटा क्या है नीचे लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस बेटा बीच बीच में यहां पर गैपिंग होती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। स्टोमेटा कहां होते हैं बेटा लोअर सरफेस पे, और क्यूटिकल क्लियर कहां होती है अपर सरफेस पे। क्यूटिकल क्लियर क्यों होती है वैक्सी, टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मींस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब लीफ को रिड्यूस करने के लिए, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए होता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। और नीचे क्यूटिकल क्लियर क्यों नहीं होती, अब सोचिए अगर नीचे लेयर, यहां पे नीचे लोअर सरफेस पे अगर क्यूटिकल क्लियर होगी तो स्टोमेटा तो क्लोज हो जाएगा ना बेटा, और स्टोमेटा क्या है जस्ट लाइक जैसे आपका नोज है, आपके नोज पर अगर मैं वैक्स का कोटिंग कर दूं या फेविकोल लगा दूं तो हम लोग की डेथ हो जाएगी, हम लोग सांस कैसे लेंगे। तो प्लांट भी जो गैसेस एक्सचेंज करता है, O2 CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, उसका नोज है ये। ओके, मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे।
अब आइए बेटा मुझे ना मैकेनिज्म समझते हैं, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है। ओके मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ। ओके तो देखो बेटा मैकेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस का होता है, जो उसका तरीका होता है, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, ग्लूकोज कैसे बनता है, तो मेनली क्लोरोप्लास्ट आर द सेल ऑर्गेनेल्स दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोप्लास्ट ओनली प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट। जितने हरे प्लांट होते हैं उसी में क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों। ओके अब आइए हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं फिर मैकेनिज्म बताते हैं। बेटा क्लोरोप्लास्ट होता कैसे है, तो क्लोरोप्लास्ट में डबल लेयर होता है, इट इज आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन बेटा, एक लेयर इसमें और होती है, इट इज इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो देयर आर टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, टुगेदर कॉल्ड एज डबल मेम्ब्रेन, टुगेदर कॉल्ड एज डबल मेम्ब्रेन। मैंने डीएम लिख दिया, समझ लीजिएगा डी फॉर डबल, एम फॉर मेम्ब्रेन। इसका जो एक फ्लूइड भरा होता है, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा, स्ट्रोमा इज जेली लाइक फ्लूइड, चिपचिपा होता है, जेली की तरह होता है, इट इज कॉल्ड जेली लाइक फ्लूइड, जेली लाइक फ्लूइड। ओके और बेटा इसमें क्या होता है, तो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉइन मतलब सिक्के, जैसे 1 रुपीज के कॉइन, 2 रुपीज के कॉइन, इस तरीके से अगर कॉइन को आप एक ऊपर एक रख दीजिए, जैसे एक कॉइन है फिर उसके ऊपर एक कॉइन, तो एक लेयर बन जाते हैं, कॉइन 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 ऐसे रख दीजिए गोल गोल सब, तो क्या हो जाएगा, एक लेयर्स बन जाएगा। तो जो बेटा वन कॉइन की तरह स्ट्रक्चर, वन वन ये जो वन है, इट इज कॉल्ड एज बच्चों थैलाकॉइड, इट इज कॉल्ड एज थैलाकॉइड। ओके थैलाकॉइड एंड द स्टॉक ऑफ थैलाकॉइड, जो पूरा बेटा ग्रुप बन जाता है, इट इज कॉल्ड एज ग्रेनम। तो ऐसा नहीं कि एक ही थैलाकॉइड या एक ही ग्रेनम होता है, ढेर सारे होते हैं, यहां पर ढेर सारे स्टॉक्स होते हैं, ऐसे बना देते हैं, एक यहां बना देते हैं, तो ग्रेनम 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 ढेर सारे ग्रेनम्स होते हैं, और बेटा सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड, आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इस ट्यूब का नाम होता है स्ट्रोमा लैमले, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमले। ओके इस ट्यूब का नाम स्ट्रोमा लैमले क्यों पड़ा बेटा, ध्यान समझिएगा, देखिए इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है इसका नाम क्या है, स्ट्रोमा, और लैमले का मतलब होता है, लैमले ने इसका रिसर्च करा था, बताया था लैमले ने, इसलिए इसका नेम पड़ गया लैमले। स्ट्रोमा में से क्रॉस करा और लैमले, इसके बारे में काफी रिसर्च करे थे। और इसका काम क्या होता है बच्चों, ये इंटरकनेक्टेड करता है सारे ग्रेनम को, आपस में जो भी मटेरियल्स है ना वो फ्लो करके एक दूसरे में क्या करता है, फ्लो करता रहता है, किसी में कुछ कम पड़ा दूसरे स्ट्रोमा में चला गया, जो भी मटेरियल कम ज़्यादा रहा यूजफुल मटेरियल, तो उसका सर्कुलेशन में हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, स्ट्रोमा लैमले इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ और सर्कुलेशन ऑफ वेरियस यूजफुल मटेरियल बिटवीन द ग्रेनम। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और क्या होता है बेटा इसमें, इसमें छोटे छोटे बेटा ग्रेनुल की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, इट इज कॉल्ड एज राइबोसोम, इट इज कॉल्ड एज राइबोसोम। अब देखिए राइबोसोम के भी टाइप्स होते हैं, 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 70S एंड 80S टाइप, तो इट इज 70S टाइप, 70
एस टाइम। देखिए 70-80 एस टाइप में डिफरेंस भी थोड़ा समझ लीजिए। 70 बेटा एस टाइप जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ओके। एंड जो 80 होता है 80 एस टाइप जो होता है बेटा ये पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन नोट दिस पॉइंट, माइटोकांड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट पाए तो जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में, बट इनमें जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक वाला होता है, मतलब 70S टाइप का होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसको कहीं नोट कर लीजिएगा आप लोग, मैंने अभी बताया जो आपको राइबोसोम से रिलेटेड बातें। और बेटा इसमें क्या होता है, तो इसका अंदर बेटा देखिए DNA भी पाया जाता है। DNA में कहाँ लिख दो, चलिए यहाँ लिख देता हूँ DNA। अब कौन सा DNA पाया जाता है, तो बेटा इसमें जो DNA पाया जाता है इट इज सर्कुलर DNA, सर्कुलर DNA। तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब बेटा हमारी बात बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, जो बेटा थायलाकॉइड है, थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में यहां यहां पे इसके मेम्ब्रेन में मैं अंदर बना देता हूं समझ में आए, इसमें एक लिक्विड पाया जाता है ग्रीन कलर का। इस ग्रीन लिक्विड का नाम होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो एक्चुअली क्लोरोफिल का एक ही काम होता है कि ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट और एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ओके। अब क्लोरोफिल बेटा बहुत तरह के होते हैं, है ना, क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, क्लोरोफिल सी होता है, क्लोरोफिल डी होता है, क्लोरोफिल ई होता है, एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। इसके अलावा भी इसमें टाइप्स होते हैं और भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तभी मैंने जो आपको बताया ये सब बेटा ग्रीन कलर के होते हैं। और कौन से होते हैं, कैरेटोनाइड्स होते हैं। कैरेटोनाइड्स मतलब कैरेट में पाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं किस कलर का होगा, कैरेट कलर का होगा, है ना, थोड़ा सा ऑरेंज कलर का होता है। और कौन से होते हैं, तो फाइकोबिलिन्स होते हैं। ये किस में पाया जाता है फाइकोबिलिन्स, तो बेटा ये पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब बेटा क्या होता है, साइनो बैक्टीरिया, जो सबसे पहले बैक्टीरिया अर्थ पे आए थे उनको बोलते हैं साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके। आई होप मेरा भी ग्रीन प्लांट पे लौट आते हैं। तो देखो बेटा ध्यान सुनना, इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसके अंदर DNA एंड राइबोसोम पाया जाता है। तो इसका बेटा आंसर होता है माइटोकांड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इसको बेटा नोट कर लीजिए कहीं आप लोग कॉपी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकांड्रिया हैज इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल एज वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक NTSC स्टेज वन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टू में भी कभी कभी आ सकता है, ओके ठीक है। अब देखिए ध्यान सुनना बेटा, फोटोसिंथेसिस में टू टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, एक को बोला जाता है लाइट रिएक्शन, एक को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन बेटा तभी हो सकता है जब लाइट की प्रेजेंस हो, और लाइट को एब्जॉर्ब कौन कर सकता है, क्लोरोफिल। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, क्लोरोफिल बेटा कहां प्रेजेंस है, थैलाकॉइड में, और थैलाकॉइड के ग्रुप को क्या कहते हैं, ग्रेना। तो लाइट रिएक्शन कहां होगा, तो याद रखिएगा लाइट रिएक्शन बच्चों होता है ग्रेनम में, इसमें होता है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन क्या होता है, जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस कोई जरूरी नहीं होता। इसका मतलब नहीं कि वो अंधेरे में होता है या डार्क में होता है, सन लाइट की जरूरत नहीं होती। और डार्क रिएक्शन भी हमेशा होता रहता है, ऐसा नहीं कि अंधेरा होगा तब होगा सन लाइट में नहीं होगा,
हमेशा 24 आवर्स चलता रहता है। ओके, और जो डार्क रिएक्शन है वो कहां होता है बच्चों? तो इट अकर्स इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन। ओके, तो हमारे पास दो ही पार्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज ग्रेनम एंड सेकेंड इज स्ट्रोमा, जेली लाइक फ्लूइड। ओके, और देखिए ध्यान सुनो बेटा, एक को ग्रेनम, और ग्रेनम 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 ढेर सारे ग्रेनम होते हैं, तो इसका जो प्लूरल फॉर्म है प्लूरल, उसको बच्चे बोला जाता है ग्रेना। बोथ आर सेम, इट इज प्लूरल फॉर्म एंड इट इज सिंगुलर फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, थोड़ा कॉम्पिटिटिव का है, उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं। देखो जो ग्रेनम होता है इसमें थैलाकॉइड में क्या है, ये ग्रुप है, स्टॉक ऑफ थैलाकॉइड, स्टॉक मतलब ग्रुप, ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड एज ग्रेनम। तो कितने थैलाकॉइड मिलकर के एक ग्रेनम बनाएंगे, जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, तो कितने होते हैं ये, 1 2 3 4 कितने हो सकते हैं? तो याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिए, 42 120 थैलाकॉइड प्रेजेंट इन वन ग्रेनम। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए बेटा हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं। पहले बेटा होता है लाइट रिएक्शन, जब लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तब स्टार्ट होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में एनर्जी सनलाइट की एब्जॉर्ब की जाती है, ये होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होता है बच्चों? सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, जो वाटर एब्जॉर्ब करता प्लांट उसको स्प्लिटअप किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, ये सेकेंड स्टेप हो गया। और ये दो स्टेप बेटा होते किसमें? लाइट, बस ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है लाइट रिएक्शन में, इसका बच्चों यूज किया जाता है डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाने के लिए। तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, जो CO2 एब्जॉर्ब करता प्लांट उसमें CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी फॉर्म इन लाइट रिएक्शन। आई होप आप लोग हमारी बात थोड़े बहुत समझ रहे होंगे। अब आइए हम लोग इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। ओके ओके, तो देखो जो फोटोसिंथेसिस होता है, एक्चुअली ये दो रिएक्शंस के सम को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन इज, और फर्स्ट फेज इज लाइट रिएक्शन, LR मतलब लाइट रिएक्शन, एंड DR का मतलब डार्क रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज और हिल्स रिएक्शन। हिल्स इज अ नेम ऑफ बायोलॉजिस्ट, हिल्स रिएक्शन। एंड सेकेंड रिएक्शन इज डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और बायोसिंथेसिस फेज। बायोसिंथेसिस फेज का बेटा मीनिंग क्या होगा? एक्चुअली में बायो मतलब होता है लिविंग, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो इसमें बेटा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज को ही फूड कहा जाता है। और ग्लूकोज बनने के बाद स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, तो प्लांट में स्टोर्ड फूड क्या होता है? स्टार्च होता है, इसे बायोसिंथेसिस फेज बोलते हैं। ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोला जाता है और C3 रिएक्शन भी बोलते हैं। C3 क्यों बोलते हैं? बिकॉज डार्क रिएक्शन में जो फर्स्ट कंपाउंड बनता बेटा हैज 3 carbon atoms। ओके, इसलिए इसे C3 रिएक्शन भी बोला जाता है। अभी क्या आपके सिलेबस बहुत डीपली तो नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता दूं, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए, जिससे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी अच्छे से दे पाइए आप 10th level का। ओके, लाइट रिएक्शन इज अकर्स इन ग्रेनम, प्लूरल फॉर्म इज ग्रेनम ग्रेना, एंड डार्क रिएक्शन इज अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ फ्लूइड। ओके,
अब हम लोग बेटा एक एक स्टेप समझते हैं कि लाइट में क्या होता है, डार्क में क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब लाइट रिएक्शन। अब समझिए क्या होता है बच्चों लाइट रिएक्शन में, पहले लाइट होगा देन डार्क होगा। विदाउट लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन कैन नॉट बी अकर, याद रखिएगा, विदाउट लाइट डार्क स्टार्ट ही नहीं हो सकता। ओके, तो देखो क्या मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले देखिए स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट क्या होती है, एनर्जी होती है, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज फोटॉन्स। तो पहला बेटा स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। मेनली कौन कौन से क्लोरोफिल होते हैं बच्चों, तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये मेन होते हैं। ओके अच्छा, अब स्टेप सेकंड क्या होता है, स्टेप सेकंड इस सनलाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्लांट क्या करता है, स्टोर करता है। तो स्टोर कैसे करता है, जो एनर्जी कम होती है उसे बोलते हैं ए डी, डी फॉर डॉग, ए डी पी में इस एनर्जी को ऐड करके किस में कन्वर्ट कर देता है, ए टी पी। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ ए टी पी। एटीपी का मीनिंग होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, अब देखिए रिएक्शन कैसे होता बच्चों, देखिए एनर्जी होती है पहले कम, इसको बोलते हैं एडीपी। एडीपी का मीनिंग होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। देखिए इसमें आ रहा है ट्राई, ट्राई मतलब थ्री, और यहां आ रहा है डाई, डाई डाई का मतलब होता है टू, तो किस में एनर्जी कम होगी, डाई मतलब टू कम होगी, और ट्राई का मतलब क्या होता बच्चों, थ्री, इसमें ज्यादा एनर्जी होती है। तो इस एनर्जी को जो फोटॉन की एनर्जी है इससे बेटा ऐड हो जाता है आईपी, आईपी का मतलब होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, मतलब दूसरी लैंग्वेज बेटा बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या बन जाएगा, एटीपी। तो सीधी बात समझ लीजिए, जो एडीपी है, एडीपी इट इज लो एनर्जी पैकेट, लो एनर्जी पैकेट्स, एंड एटीपी इज हाई एनर्जी पैकेट, हाई एनर्जी पैकेट, हाई एनर्जी पैकेट्स। निकालने मतलब यह हुआ कि सबसे पहले लाइट लिया सनलाइट से, फिर उसको एडीपी में ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, एटीपी। ओके, टू स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा जो होता है थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या होता है, स्टेप थर्ड थर्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो ब्रेक ब्रेकअप किया जाता है, उसको स्प्लिटअप तोड़ा जाता है। कौन कैसे ब्रेक होता है, इसी एनर्जी का यूज करके, सनलाइट के एनर्जी को यूज करके। तो सनलाइट से बेटा कोई भी चीज ब्रेक होती है ना, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा फोटोलिसिस, ना पढ़ा हो तो हमारा केमिस्ट्री का भी आप लेक्चर देख सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मैंने पूरा उसमें टाइप्स बताया उसके, फोटोलिसिस क्या होता है। तो थर्ड स्टेप होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, जो बेटा वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट, ये बेटा ब्रेक हो जाता है एनर्जी का यूज करके, कौन सी एनर्जी बताइए, सोलर एनर्जी,
सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट वाली एनर्जी, तो वाटर किसमें बच्चों ब्रेक होगा? देखिए इसमें टू मॉलिक्यूल्स आप लीजिए, पहले बैलेंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो टू एच टू पहले लिख लीजिए, कैसा होगा लिक्विड, कितने इसमें हाइड्रोजन है, टू इंटू टू यानी कि फोर, तो फोर हाइड्रोजन बेटा बनता है प्लस चार्ज, और बेटा जितना चार्ज बनता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होगा तभी चार्ज बनेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, फोर इलेक्ट्रॉन, फोर इलेक्ट्रॉन। अब प्लस देखिए इसमें ऑक्सीजन कितना है, टू ओ यानी कि टू ऑक्सीजन का आइटम है, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन ओ टू गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, तो इट इज द रिएक्शन ऑफ फोटोलिसिस। कुछ बच्चों को शायद ना समझ में आया हो, मैं थोड़ा इसको और यहां पर डिटेल में बता देता हूं, ध्यान सुनिए, बताइए एस से कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, सबको पता है ओनली वन हाइड्रोजन, ओनली वन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, हाइड्रोजन से माइनस वन किया तो क्या बना बच्चों, एच प्लस। अब कितने हाइड्रोजन है बताइए, फोर है, टू इंटू टू फोर हाइड्रोजन एटम है, अगर मैं यहां लिख दू फोर एच तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, फोर इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा इधर फोर एच प्लस, ओके। अब बेटा ध्यान से देखिए कि 4H माइनस 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा भाई, यहां माइनस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस रिएक्शन बेटा हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्या इस रिएक्शन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 4H एरो लगाया, यहां लिखा 4H प्लस और इस इलेक्ट्रॉन को इधर लाइए तो हो जाएगा प्लस फोर इलेक्ट्रॉन। बातें हमारी समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, इसलिए देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ये प्लस में लिखा, अगर आप एरो के यहां लिखोगे ना तो यहां माइनस हो जाएगा, अगर आप इसको यहां लिखेंगे यहां से मान लिया हटा दिए तो यहां पर लिखना पड़ेगा माइनस फोर इलेक्ट्रॉन, अभी भी सही है, लेकिन एक वे होता है लिखने का, एक तरीका बताया गया केमिस्ट्री में या बायो में, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट तरफ जो निकलता है रिलीज हो रहा है वो प्रोडक्ट में तो रिलीज होगा, इसलिए बेटा हमेशा किधर लिखते हैं प्रोडक्ट साइड, तो यहां पर ना लिखकर ना ये साइन चेंज कर दीजिए प्लस फोर इलेक्ट्रॉन। तो आई होप हमारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ओके। अब देखो इसमें एक स्टेप और होता है, ध्यान सुनिएगा, स्टेप नंबर कितने हो गए, थ्री हो गए ना, फोर्थ स्टेप, स्टेप फोर, स्टेप फोर रिडक्शन ऑफ एनएडीपी बेटा क्या है ना, इसका नाम होता है निकोटीन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, समझ में आ रहा, तो अभी मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं आप लोगों को, निकोटीन, देखो इसका मतलब होता है निकोटीन, ए का मतलब बच्चों हो गया एमाइड, डी का मतलब हो गया डाई न्यूक्लियोटाइड, और बेटा पी का मतलब हो गया फॉस्फेट, फॉस्फेट। देखिए ये एनएडीपी है क्या एक्चुअली में, अगर ये बताइए अगर मैं एनएडीपी में से एन को हटा दूं, एन हटा के देखिए क्या दिख रहा है, अगर मैं इस एन को हटा दूं तो क्या दिख रहा है बच्चों, एडीपी मतलब लो एनर्जी पैकेट्स, तो एक्चुअली में एनएडीपी है नहीं, बस चेहरा अलग है उसका, ये एडीपी का ही मतलब सेकेंड फॉर्म आप समझ सकते हैं, लो एनर्जी बच्चों पैकेट्स है ये, क्या है, इट इज लो एनर्जी पैकेट्स, ओके, इट इज लो एनर्जी पैकेट्स। तो आप हमारी बात समझ गए होंगे, सिर्फ एन जुड़ गया, बाकी तो है एडीपी ना बेटा। रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गौर से देखिए यहां हाइड्रोजन बटन बटन है, ये देखो हाइड्रोजन बना है, ये इलेक्ट्रॉन बना है,
तो इसका ये हाइड्रोजन यूज हो जाता है इसमें, इसके साथ ऐड हो जाता है, इसको बोला जाता है रिडक्शन। तो आइए ऐड करके देखते हैं, एन ए डी पी प्लस इसमें बच्चों ऐड हो गया एच आयन, तो क्या बन जाएगा एन ए डी पी एच, चार्ज हटा दीजिएगा। अब इसका नाम क्या होगा, एन ए डी पी एच का नेम क्या होगा, तो सिर्फ देखिए रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन होने के बाद क्या हो गया, ये तो है एडीपी की तरह लो एनर्जी पैकेट्स, लो एनर्जी पैकेट्स, और बेटा एच जुड़ने से इसकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो जाती है। इट इज जस्ट लाइक एटीपी, ये जस्ट लाइक कैसा है एटीपी, फर्स्ट रिएक्शन एंड फोर्थ रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं, दोनों सेम है बिल्कुल, लो एनर्जी से हाई एनर्जी, फर्स्ट में भी क्या था लो से हाई एनर्जी, तो इट इज हाई एनर्जी पैकेट्स, ओके। और इसका नेम क्या होगा, सिर्फ हाइड्रोजन ही तो बढ़ गया, इसका नेम अगर लिखना है तो पूरा ही लिख दो, बस इसमें ऐड कर दो रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड बच्चों लिख दो, रिड्यूस्ड निकोटीन एमाइड डाइक्लोटाइड फॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म हो गया, बस रिड्यूस ऐड कर दो, इसका रिड्यूस हटा देंगे तो इसका नेम हो जाएगा। हमारी बात आप समझ गए होंगे बेटा, यहां पर लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी लाइट रिएक्शन में कितने स्टेप्स हो गए, फोर स्टेप हो गए, ओके। हमारी बात आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो, ओके। माय डियर स्टूडेंट नोट दिस पॉइंट, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन प्लस, आपको पता ना कि हाइड्रोजन प्लस को प्रोटॉन क्यों बोला जाता है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं बताइए, एक इलेक्ट्रॉन, एक वन इलेक्ट्रॉन, और एटॉमिक नंबर वन, और मास नंबर भी कितना होता है वन, तो बताइए इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन जो नीचे नंबर लिखा होता है वन, और प्रोटॉन भी कितना होगा बच्चों वन, और न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, इसमें से ये नंबर घटा दो, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन बच्चों नहीं होता है। अब बताइए अगर हाइड्रोजन में सब एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं तो क्या बन जाता है एच प्लस, अब बताइए इसमें क्या होगा, इसमें क्या था वन इलेक्ट्रॉन वन प्रोटॉन, लेकिन इसमें बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो आपने इसमें बाहर कर दिया तभी तो बनाइए, तो वन इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं इसमें, सिर्फ क्या होगा बच्चों वन प्रोटॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन खत्म, क्योंकि आपने इसको रिलीज कर दिया, इसलिए एच प्लस को प्रोटॉन बोला जाता है। आई होप समझ गए होंगे, तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन निकले थे, फोर इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड यूज्ड टू मेक एनएडीपीएच एंड एटीपी रेस्पेक्टिवली, और ये बेटा जो बनता है ये कहाँ यूज होता है, ये फर्स्ट रिएक्शन में बना था, और ये किसमें बना था, फोर्थ रिएक्शन में, कहाँ यूज होता है ये दोनों, तो ये बेटा दोनों यूज होता है डार्क रिएक्शन में, क्या बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए, और इस तरह से आपकी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है। तो कुल मिलाकर अगर आपसे ये कहा जाए कि लाइट रिएक्शन में फायदा क्या हुआ प्लांट को, तो एक्चुअली क्या होता है, नोट पे पॉइंट लिख लीजिएगा कि ओनली एनर्जी पैकेट्स आर फॉर्म्ड, एनर्जी पैकेट्स आर फॉर्म्ड इन लाइट रिएक्शन, कौन कौन से फॉर्म होते हैं बच्चों, तो फर्स्ट बेटा होता है 18 ATP, देखिए बहुत डीपली हम फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ रहे हैं, मैं एक आपको जनरल वे दे रहा हूँ, बाकी फोटोसिंथेसिस चैप्टर बहुत ही डीपली पढ़ा जाता है, तो मैं आपको अल्टीमेट आंसर बता रहा हूँ, ओके 18 ATP, एंड सेकेंड बच्चों बनता है 12 NADPH, यानी हाई एनर्जी पैकेट्स। तो लाइट रिएक्शन बच्चों कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता प्लांट को, सिर्फ क्या होता है एनर्जी पैकेट्स फॉर्म होते हैं, एंड वाटर का क्या होता है फोटोलिसिस होता है, ये दो प्रोसेस होते हैं ओनली इन लाइट रिएक्शन, ओके। चलिए हम लोग बेटा प्रोसीड करते हैं डार्क रिएक्शन में, ओके। ओके आइए लिखते हैं बेटा डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन बेटा, डार्क रिएक्शन जो होता है इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस,
साइक्लिक प्रोसेस गोल गोल चलता है। कैसे बच्चों ध्यान समझिएगा, प्लांट ने बेटा क्या चीज अब्सॉर्ब किया, CO2। और देखिए प्लांट बेटा अंदर लीफ में एक एंजाइम्स होता है जिसे बोलते हैं RUBP, या बच्चों इसका सेकेंड नाम होता है RUDP, दोनों एक ही चीज है, चाहे डी लिखो चाहे बी लिखो, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ओके ये बेटा क्या होता है, इसको गोल गोल चक्कर लगाता रहता है और करता क्या है, राइबोलोज ऐसे जा रहा है, ये आया CO2 प्लांट के अंदर, तो इस CO2 को जो RUBP बेटा ऐसे कैच कर लेता, देखिए ऐसे पकड़ लिया और CO2 ले को ऐसे गए यहाँ पे, ऐसे ले गया यहाँ पे मूव करते हुए, और यहाँ बेटा CO2 क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, क्या कर देता है बच्चों, रिलीज कर देता है। यहां क्या आ गया, इसे रिलीज होकर के CO2। ओके RUBP गया ऐसे, CO2 पकड़ा, फिर लाया यहां पर रिलीज कर दिया CO2 को, फिर चला गया ऐसे बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस है। इसका मेन काम क्या है, RUBP इज कैरियर ऑफ CO2, CO2 को एंटर करता प्लांट के अंदर, उसको कैच करके यहां पे लाता है। अब बताइए लाइट एक्शन में क्या कौन कौन से पैकेट बने थे, याद करिए मैंने बताया था 18 ATP एंड 12 NADPH, दोनों बेटा हाई एनर्जी पैकेट्स हैं। अब देखिए इसका निकल जाता है ATP, इसे क्या निकल गया बच्चों, ATP में से क्या निकाल दें, -18 IP निकाल दीजिए तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा 18 ABP, मतलब लो एनर्जी पैकेट्स, लो एनर्जी पैकेट्स। इसमें से क्या निकल जाता बच्चों, हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, NADPH है ना, तो NADPH में एक हाइड्रोजन, 12 में कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, माइनस ट्वेल्व हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा ये 12 NADP, ये भी क्या हो गया, लो एनर्जी पैकेट्स। और ये दोनों कहां चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं रिचार्ज होने लाइट रिएक्शन, याद करो आपके सिलेंडर आया खत्म हुआ फिर भेज दिया कंपनी, तो एनर्जी इसका यूज हुआ डार्क में, फिर ही कहां चले जाएंगे, फिर से लाइट शुरू हो जाएगी, फिर से लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फिर रिचार्ज होकर आएंगे, फिर से रिएक्शन होगा ये डार्क, ये मतलब है। अब बताइए कितने CO2 बेटा एंटर करते हैं, 6 CO2 एक बार में, ऐसा नहीं कि 6 CO2 ही एंटर करता है, दिन भर में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ CO2 जाती है, केवल एक रिएक्शन की बात हो रही है। देखिए यहां से आ गया C6, ओके यहां से आया हाइड्रोजन, तो बताइए क्या बन जाएगा 6 CO2, इसका H निकला और H इससे मिलकर क्या बनाएगा बताइए आप लोग, तो अल्टीमेट बच्चों बन जाएगा, यहां CO2 आया, C6 यहां से, H12 यहां से, तो क्या बन गया बच्चों C6H12 O6, इसमें ऑक्सीजन है ना, कितने ऑक्सीजन है 12, तो एडजस्टमेंट चलता रहता है, ऐसा नहीं कि अब उसमें 12 है तो इसमें से 12 क्यों नहीं है, एक ग्लूकोज थोड़ी बनता है, हजारों करोड़ों बनते हैं, उसी में एडजस्टमेंट बच्चों चलता रहता है, तो इट इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन और C3 साइकिल। देखो बच्चों ऐसा कि इस रिएक्शन में बहुत सारे 200 से ऊपर रिएक्शंस लिखे जाते हैं, जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है उसमें 3 कार्बन होता है, इसलिए इसे C3 साइकिल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, या केल्विन बेंसन साइकिल भी बोला जाता है, केल्विन बेंसन साइकिल, या बच्चों इसे हम लोग केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, केल्विन साइकिल। ओके केल्विन साइकिल के होता है, केल्विन साइकिल नहीं सही है, कार्बन साइकिल। तो इतनी बात समझ आ गई होगी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डार्क रिएक्शन क्या होता है, लाइट रिएक्शन क्या होता है और फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ओके ठीक है, ओके बेटा, तो आप लोग इसको तैयार करिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं पार्ट 4 में, बाय, बेस्ट ऑफ लक।